हेलो दोस्तों uh, मेरे पास एक फ्रीक्वेंटली एक क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर कैसे जाते हैं उसमें क्या लॉजिक रहता है कभी वो ऊपर कभी वो नीचे तो आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे दैट व्हाई डज अ स्टॉक वैल्यू गो अप और गो डाउन ऑन द स्टॉक मार्केट्स बिफोर वी गो इंग दिस आई विड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई नेम इज़ पुनीत अग्रवाल आई एम द फाउंडर ऑफ बैनियन एफ ए वेर वी आर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल

क्या फंडामेंटल्स क्या सेंटीमेंट्स क्या चीज है ये आ, मुझे इसमें राकेश झंझुलवाला जी का एक डायलॉग याद आ रहा है कि फंडा का मेंटल कर देता है सेंटिमेंट कई बार दिस इज द लिक्विडिटी रेड रैली दिस इज बेनिफिट ऑफ फंडामेंटल सब फंडा का हो गया मेंटल सो लेट्स काइंड ऑफ लुक इन टू ब्रॉडली बहुत हाई लेवल पर हम देखेंगे कि हाउ फंडामेंटल्स इम्पैक्ट सो यहाँ पर फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म स्टॉक प्राइसिस को इफेक्ट करता है सेंटिमेंट्स शॉर्ट टर्म उसमें नॉइज क्रिएट करता है ठीक है हम इसमें कोई स्टॉक पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं लेंगे बट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्मॉल सिचुएशन ऑफ अ एप्पल फार्म और एन एप्पल ऑर्चर्ड अज्यूम कीजिए कि एक एप्पल का एक फार्म है जहाँ पर एक बहुत ही मेहनती फार्मर है और वो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अपने एप्पल ट्रीज़ ग्रो कर रहा है एंड काफ़ी हेल्दी प्लस मोटे मोटे रेड ऐपल्स वहाँ पे अच्छी वहाँ पे उत्पाद है वहाँ पर तो एज़ एन इन्वेस्टर आप गए आपको एक ऐपल फार्म खरीदना था और आपने एक ही ऐपल फार्म देखा एंड एक और उसके रोड के जस्ट अपोज़िट दूसरा एप्पल फार्म है जहाँ पर पेड़ों में कीड़े लग चुके हैं वहाँ पे उत्पाद जो है एप्पल का भी वो भी इट्स नॉट वेरी ग्रेट एप्पल्स वहाँ पे छोटे साइज के बीमार एप्पल्स हैं दूसरी तरफ पहला वाला एप्पल फार्म था वहाँ पे फार्मर हर साल एक्स्ट्रा पेड़ उगाता चला जाता है क्योंकि आज से कुछ सालों बाद वो फर्दर एपल्स uh, देगा द वन जहाँ पे कीड़े लग जा रहे हैं जहाँ पे जहाँ अच्छा आउटपुट नहीं है वहाँ का फार्मर के पास ये विजिबिलिटी नहीं है कि उसको फ्यूचर में क्या करना चाहिए तो एज़ अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू बाई एन एप्पल फार्म वुड यू पे मोर फॉर द

Which continues to generate more and more profits and revenues is considered as a healthy business for which the investors are happy कि भैया उसके लिए मैं थोड़ा और पैसा देने को तैयार हूँ और जैसे जैसे कंपनी का और मुनाफा बढ़ता है वैसे वैसे उसके स्टॉक prices भी ऊपर चलते चले जाते हैं because investor उसके लिए और पैसा देने को तैयार हैं but इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं ठीक है एक कंपनी का एग्जाम्पल में थोड़ा नॉइज आ सकता है तो हम पूरी इकोनॉमी का बात करते हैं ठीक है नाउ वी लुक इन अ चार्ट ये चार्ट इंडिया जी का है एंड ये 1990 से अभी तक की डेट का है जहाँ पर आप नोटिस कीजिए दैट इंडिया की जीडीपी 100 बिलियन डॉलर से बढ़ते बढ़ते करीबन साढ़े आठ सौ बिलियन डॉलर की हो गई है फ्रॉम हंड्रेड बिलियन डॉलर्स टू रफली एट हंड्रेड एंड फिफ्टी बिलियन डॉलर्स एंड यू वुड आल्सो सी सम वेरी नोटिसबल वहाँ पे ड्रॉप्स इन द जी चार्ट पहला जो नोटिसबल ड्रॉप है वो ईयर 2008 में है जब क्रेडिट क्राइसिस हुई थी ग्लोबल एंड uh, दूसरा जो मोर रिसेंट मेमरीज में है कोविड के टाइम का ड्रॉप है रफली इन टू दिस बट लॉन्ग टर्म में आप देखिए ऊपर जा रहा है एंड जब जब कोई सिवियर इशू हुआ मार्केट्स में यू कैन सी दैट हाउ द जी डी पी ऑल्सो ड्रॉप

ना वॉट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन इट्स बेसिकली सारी जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है इंडिया की उसकी टोटल वैल्यू आज की मार्केट्स के स्टॉक प्राइसिस के हिसाब से इसका टेक्निकल फॉर्मूला क्या है यू मल्टीप्लाई द करेंट स्टॉक प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ अ कंपनी अलॉन्ग विथ जितने भी उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उस पर ठीक है तो वो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कंपनी का मिल जाएगा आप सारी लिस्टेड कंपनीज का टोटल कर लीजिए वो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पूरा स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया है सो so, आप ये जो चार्ट देख रहे हैं देख रहे हैं आप तो इसमें आप देखिए इसकी ट्रेजिक्ट्री और जो हमने जीडीपी वाले चार्ट की ट्रेजिक्ट्री देखी थी वो काफ़ी सिमिलर है राइट right? ये लेकिन हर सेकेंड चेंज होता रहता है बिकॉज द मार्केट इसका जो फॉर्मूला है उसमें मल्टीप्लाइड बाय द करंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक प्राइसेस है तो ये हर रोज चेंज होगा हर सेकेंड चेंज होगा ठीक है बट जस्ट लाइक द जी चार्ट यू विल ऑल्सो सी इस वाले चार्ट में भी वो दो पॉइंट्स एग्जाम्पल का ले रहा हूँ वहाँ पर जब एक टू में जब क्रेडिट क्राइसिस थी तब आप देखिए कितना डीप कट आया एंड जो 2020 में कोविड की क्राइसिस उसमें भी देखिए कितना डीप कट आया राइट सो व्हाट डज इट टेल यू अगर आप दोनों चार्ट को देखें कि जीडीपी की जो ट्रेज़िक्ट्री है और जो डिप्स हैं वही स्टॉक मार्केट्स की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की ट्रेज़िक्ट्री है और डिप्स हैं सो आई होप दिस गिव्स यू सम क्लैरिटी दैट फंडामेंटल्स ऑफ अ बिजनेस ड्राइज द स्टॉक प्राइसिस शॉर्ट टर्म में लेकिन अब लेकर आते हैं कहां सेंटिमेंट्स रोल प्ले करते हैं इसी चार्ट में अगर आप देखें जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला चार्ट है इसके अंदर आप नोटिस कीजिए फंडामेंटल की ट्रेजेक्ट्री में तो जा रहा है ऊपर की तरफ और जब नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है बट इसमें बहुत शार्प अप्स एंड डाउन्स हैं राइट जी डी वाले चार्ट में इतने शार्प अप एंड डाउन्स नहीं है उसमें हैं बट सॉरी सॉफ्टर्स हैं सो दिस इज वेर द सेंटीमेंट्स प्ले रोल वेर ईदर एट टाइम्स द इंटायर मार्केट्स विच मार्केट इज नथिंग बट कम्बाइंड पीपल ऑफ यू एंड मी सब लोग अगर ज़्यादा डर जाते हैं तो वो सब चीज़ उठा उठा के बिल्कुल बहुत कम वैल्यू पे करना चाह रहे हैं एक बिजनेस के लिए और जब बहुत अच्छा मूड है तो उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू पे करना चाह रहे हैं बट इन लॉन्ग टर्म कम क्लोजर टू द द फंडामेंटल्स ऑफ एन इकोमी टू रिपीट सेंटीमेंट उसके अंदर अप टिक और डाउन टिक फंडामेंटल से ज्यादा या कम पे ले जाते हैं बट लॉन्ग टर्म में द फंडामेंटल एक्चुअली रूल राइट सो इफेक्टिवली इफ यू नोटिस दैट इफ फंडामेंटल आर रूलिंग इट दैट्स वेयर देर इज अ वेरी कॉमन सीइंग स्टॉक मार्केट दैट इट इज द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी विच रूल द स्टॉक प्राइसिस राइट नॉट वाइस वर्सा सो Always when you are trying to identify good investment options, follow the business, not the stock prices. Because stock prices can in short term go deeper than the, the fundamentals in terms of negative territory and in good times might go higher than the, the normal business the business's fundamentals. Follow the business and its fundamentals rather than the sentiments. Thank you.